जो मैसेज जाएगा नई पीढ़ी के लिए वो बहुत अच्छा जाएगा, और जो बात कवियों की है और उड़ान की आपने कही है तो मैं उसको बताऊं कि वाकई में उड़ान जो है वो सबसे तेज़ होती है। कवि जो है ज़मीन पर होता है लेकिन उड़ान आसमान की उड़ता है। वो ये एक ऐसी उड़ान है कि वो कल्पना करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अगर सुनने वाले भी उसकी उड़ान के साथ साथ चले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो एक समाज है वो सभ्य समाज बन जाएगा। एक गजल है मेरी के जो मैंने अभी सुनाई है, वफा खुलूस मोहब्बत को आम करते हैं, वफा खुलूस मोहब्बत को आम करते हैं, जो नेक लोग हैं वो नेक काम करते हैं, जो कारोबार में करते हैं झूठ को शामिल, जो कारोबार में करते हैं झूठ को शामिल, हलाल रिस्क को रिस्क हराम करते हैं, हलाल रिस्क को रिस्क हराम करते हैं, और खुदा की रहमतें नाजिल उन्हीं पे होती हैं। खुदा की यानी भगवान की, खुदा की रहमतें नाजिल उन्हीं पे होती हैं जो लोग जिक्र खुदा सुबह शाम करते हैं, जो लोग जिक्र खुदा सुबह शाम करते हैं। और सबूत पेश करूं और क्या मोहब्बत का, सबूत पेश करूं और क्या मोहब्बत का, हम अपनी शायरी तुझ पर तमाम करते हैं, हम अपनी शायरी तुझ पर तमाम करते हैं। और मकता है कि हर एक बात को हम पहले तोलते हैं फराज, हर एक बात को हम पहले तोलते हैं फराज फिर उसके बाद किसी से कलाम करते हैं।